गुड मॉर्निंग, आई एम सनी देव एंड इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हेन, वेयर एंड हाउ इन हिस्ट्री ऑफ क्लास 8. एंड नाउ इन दिस वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया. किस तरह से यूरोपियंस इंडिया में एंट्री किए, कैसे आए और किस तरह से वो ब्रिटिश धीरे धीरे अपनी जो है पावर मजबूत किए इंडिया में और 1947 तक रहे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. अब मेन रूप से इस चैप्टर में डिस्कस करना है ब्रिटिश के बारे में. ये सब कंपनी आए, अलग अलग कंपनी, लेकिन जो डिस्कशन है जो पढ़ना है कि ब्रिटिश के बारे में किस तरह से ब्रिटिश अपने पकड़ को मजबूत किए इंडिया में, एक ट्रेडर्स के रूप में आए और किस तरह से यहाँ का रूलर बन गए, इसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है. लेकिन सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियन का इंडिया में आगमन, अराइवल इसको कह सकते हैं कि अराइवल ऑफ यूरोपियन. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया जो प्रोस्पेरस कंट्री आज से नहीं बल्कि एंशियंट टाइम से रहा है और वेस्टर्न कंटिनेंट्स के साथ जैसे यूरोप के साथ जो इसका ट्रेड रिलेशन है वो ट्रेड रिलेशन आज से ही नहीं, अभी ही नहीं, बल्कि ये क्या है थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले से ही है. तो पहले क्या था कि इंडिया का जो रूट्स था वो ट्रेड रूट्स बाय लैंड होता था, लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सी रूट्स, अब बोलते हैं कि वास्को डी गामा सी रूट का डिस्कवर किया, इंडिया डिस्कवर किया, लेकिन इंडिया डिस्कवर किया इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया का डिस्कवर वास्को डी गामा ने किया. वास्को डी गामा यूरोप से इंडिया आने का जो सी रूट से उसका डिस्कवर किया. एक्चुअली पहले क्या था कि एक नाम आता है प्रिंस हेनरी. तो ये जो प्रिंस हेनरी पुर्तगाल का एक क्या था, एक ये सीमैन था, एक नेविगेटर था और ये नेविगेटर को उत्साह बढ़ाते रहा हमेशा, यानी कि अपना होल लाइफ न्यू रूट्स खोजने में. चूंकि ट्रेड से क्या होता था कि जब लैंड के द्वारा आते थे तो डर बना हुआ रहता था कि लूट लेगा, रॉबर्स मिलेंगे, लूट लेंगे, ये सब डर बने हुए रहते थे ट्रेड करने में. इसलिए ट्रेडर्स जो थे और क्या था कि विथ द हेल्प ऑफ विंड सी रूट में जो है कि बोट को चलाना, सेल करना वो आसान हो जाता था. इस कारण से जो है सी रूट्स की डिस्कवरी में डिस्कवर करने के लिए जो यूरोपियंस थे बहुत दूर दूर तक अनेक जगहों पे थे. उसी में से एक सबसे नाम आता है मैगलन. एक पहला आदमी था जो पूरा वर्ल्ड का सी रूट्स के द्वारा क्या किया, पूरा वर्ल्ड का जो है कि घूम लिया था. लेकिन प्रिंस हेनरी की बात करते हैं तो ये प्रिंस हेनरी एक पुर्तगाल का रहने वाला था और ये होल लाइफ जो है अपना बस न्यू सी रूट्स डिस्कवर करने में अपना लगा दिया, नाविकों को जो सेलर्स था उसको उत्साह बढ़ाने में लगा दिया. इसके बाद इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया आने के लिए 1487 में एक नाम था बार्थोलोमियो डियाज. ये कौन था, तो ये एक नेविगेटर था. बार्थोलोमियो डियाज एक नेविगेटर था और ये नेविगेटर क्या किया कि 1487 में इंडिया आने की कोशिश की और इंडिया पहुंचने पाया. वो कहाँ तक आया, इंडिया की ओर आया और एक नया जगह की खोज किया जिसका नाम क्या है, केप ऑफ गुड होप. ये अफ्रीका, जो अफ्रीका का ये क्या होता है, जब मैप देखते हैं तो अफ्रीका का सबसे साउदर्न पार्ट है, इसी को बोलते हैं केप ऑफ गुड होप. इसको हिंदी में बोलते हैं उत्माशा अंतरिम. तो ये केप ऑफ गुड होप का डिस्कवर किया कौन, बार्थोलोमियो डियाज, और इसी के सी रूट को फॉलो किया था वास्को डी गामा ने. लेकिन इसके बीच ये 1487 में पहुंच गया बार्थोलोमियो डियाज कहाँ पे, केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका. इसके बाद 1492 में एक नाम आता है क्रिस्टोफर कोलंबस. तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ रहने वाला था, ये स्पेन का रहने वाला था. जन्म से था इटालियन, जो जन्म से क्या था वो इटली का था, लेकिन ये जो रहता कहाँ था, स्पेन में. इटालियन मुल्क के थे और स्पेन में रहते थे. जो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में वो इंडिया की खोज करने के लिए निकला, स्पेन से निकला इंडिया के सी रूट्स खोज करने के लिए, लेकिन वो गलती से मिस्टेक हुआ और पहुंच गया कहाँ पे, वो पहुंच गया अमेरिका. और इस प्रकार से क्या हुआ कि वो गलत फहमी में
अमेरिका डिस्कवर कर दिया। निकला था इंडिया का रूट खोजने के लिए, लेकिन पहुंच गया गलती से वो अमेरिका, और इस प्रकार से अमेरिका का डिस्कवर हुआ। इसलिए अमेरिका को क्या बोलते हैं कि अमेरिका सी रूट का डिस्कवर किया कौन, तो वो किया क्रिस्टोफर कोलंबस। और ये जो सेंट्रल अमेरिका में एक आइलैंड ग्रुप है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज, क्या नाम है वेस्ट इंडीज, तो किसको ऐसा अनुभव हुआ कि वो कहाँ पहुँच गया, वो पहुँच गया इंडिया, वो इंडिया के लैंड पे आ चुका है। फिर उसको बाद में मालूम चला कि ये इंडिया नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या होगा ये वेस्ट में। ये कहाँ पर था, वो यूरोप से गया था वेस्ट की ओर, तो वेस्ट की ओर गया था, तो उसका इंडिया नहीं था नाम, लेकिन फिर भी वो वेस्ट में होने का उसका नाम क्या रख दिया, वेस्ट इंडीज। इस तरह से खोज हुआ किसका, वेस्ट इंडीज का। तो एक अमेरिका और वेस्ट इंडीज का डिस्कवर करने वाला कौन था, तो वो था क्रिस्टोफर कोलंबस। और क्रिस्टोफर कोलंबस इसी टेंशन में था कि मैंने खोज किया इंडिया का, तो मैं अमेरिका कैसे पहुंच गया, और इसी टेंशन में सोचते सोचते वो क्या हुआ, मर गया। इसके बाद अगला नाम आता है, ये हुआ कब, ये हुआ क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। इसके बाद 1498 में वास्को डी गामा, जो केप ऑफ गुड होप तक कौन पहुंचा था, बार्थोलोमियो डियाज। तो इसी के रूट्स को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा आया केप ऑफ गुड होप, और इसी के बाद इधर क्या हो गया कि इधर जब आया मेडागास्कर से पार किया इंडियन ओशन में, जैसे ही आया, क्योंकि इधर अरब ट्रेडर्स और जो इंडियन ट्रेडर्स था इसका मोनोपोलाइज था, ये लोग इसका अधिकार था करते थे। जब गुजरात के जो एक नाविक था उसके साथ जब मिला, तो उन्होंने ही इसको कहाँ पर लाया, इंडिया लाया। और ये इंडिया पहुँचा कहाँ पे, इंडिया के साउथ में एक जगह है केरला में जिसका नाम है कालीकट। ये कालीकट पहुँचा, और यहाँ का राजा उस टाइम था हिंदू राजा जमोरिन। वहाँ का हिंदू राजा कौन था, तो जमोरिन। ये कालीकट का जो राजा था जमोरिन, तो ऑलरेडी जानते हैं कि इंडिया जो है अतिथि देवो भव वाला कंट्री है, और उसको बहुत बढ़िया स्वागत किया जाता है। तो जब ये पहुंचा, जब वास्को डी गामा 1498 कालीकट तक पहुंचा, तो कालीकट पहुंचा 20 मई 1498 को। तो जैसे ही कोई भी देखते हैं कि जो इंडिया ऐसा देश है कि कोई भी गेस्ट आने वाले होते हैं तो इसको बहुत बढ़िया से वेलकम किया जाता है, तो इसको बहुत ज़बरदस्त नहीं करता, इसे पूरा ग्रांड वेलकम किया गया था जमोरिन के द्वारा, इसको वास्को डी गामा को 1498 में पहुंचा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बार्थोलोमियो डियाज के रूट्स को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा इंडिया पहुंचा, और यूरोप से। वास्को डी गामा कहाँ से सेलर था, तो वास्को डी गामा एक पुर्तगीज सेलर था। कौन था वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा जो था एक पुर्तगीज सेलर था, पुर्तगाल के रहने वाला था। इस तरह से क्या हुआ कि वास्को डी गामा का वेलकम किया गया, तो जो गुजरात के जो ट्रेडर्स थे वो लोगों को प्रॉब्लम होने लग गए कि जो अब हमारे ट्रेडर्स पे हो क्या होगा, ये मोनी मतलब कि ये अपना बोलते हैं ना इंटरफेयर करने के लिए। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये तो कर लिया, तो इसमें से जो वास्को डी गामा पहुंचा था तो ये लगभग कितना, तो अपने 118 जो सेलर्स थे साथी थे उसके साथ पहुंचा था इंडिया, और उसका वेलकम किया गया, कुछ दिन रुका, और रुकने के बाद एब्सेंस किया। क्या होता है कि कोई भी लोग इंडिया में किसी के यहाँ जाते हैं उसके घर में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, अब कहीं पर गए, कहीं पर अभी मैंगो का सीजन आ गया है, तो आप अभी जाएंगे तो क्या होगा, मैंगो मिलेगा झोला भर के दे दिए भाई ले जाओ, फ्री का तो है, कौन देखने वाला है। ये एक कंडीशन था जमोरिन के साथ। केरला स्पाइसिस का क्या है कि बहुत बड़ा ज़्यादा ग्रो होता था वहाँ पे, तो स्पाइस ग्रो होने के कारण जब वापस लौटने लगा वास्को डी गामा, तो उसको क्या है कि बहुत सारा जो है स्पाइस दे दिया गया। तो जब यहाँ से स्पाइस लेकर के वो वापस पहुँचा पुर्तगाल, तो उस स्पाइस को क्या किया, जो भी यहाँ से मिले थे स्पाइसेस वगैरह, तो उसको बेचा। तो उसको बेचने के बाद जितना टोटल कॉस्ट खर्च हुआ था, उसका एक्सपेंस हुआ था पुर्तगाल से इंडिया आने में और इंडिया से पुर्तगाल जाने में, उसका 60 times इसको प्रॉफिट हुआ था। यानी क्या हुआ कि जब वापस जाने लगा, तो उसको बोलते हैं ना कि संदेश के रूप में उसको दे दिया गया, संदेशा भाई लेते जाओ अपना याद करोगे। लेकिन उस जो फ्री में ऐसे गिफ्ट मिला, गिफ्ट तो मिला लेकिन गिफ्ट को ला क्या कर दिया, ये यूरोप के मार्केट में बेच दिया। और बेचने का जितना कॉस्ट हुआ था, खर्च हुआ था उसको यूरोप से इंडिया आने में और फिर इंडिया से वापस यूरोप जाने में, उसका 60 times यानी कि 60 गुना प्रॉफिट कमाया था। अब लालच बुरी वाला है, इसको भी क्या हो गया, लालच लग गया, फिर दोबारा आया, दोबारा कब आया
1502 में जब ये वापस आया तो इतने साथ में फिर क्या आया कि ट्रेडर्स के ग्रुप लेकर के आया, और आने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ से फिर अपना ट्रेड का बात किया, और ट्रेडर्स के साथ क्या हुआ कि ट्रेडर्स स्टेशन था, फैक्ट्रीज था, सेटलमेंट्स वो अपना एस्टेब्लिश किया। तो कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश किया, कोचीन में किया, गोवा और दमन एंड दीव। तो ये जगहों पे वो अपना क्या है वो ट्रेडिंग पोर्ट्स एस्टेब्लिश किया, कौन, पुर्तगीज। तो ये वास्को डी गामा द्वारा आया, फिर यहाँ पर क्या हुआ कि वास्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, ये सब यहाँ का फिर गवर्नर जनरल बना, गवर्नर बन गया। और फिर क्या हुआ कि अपने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, पुर्तगीज तो आया कौन था, तो उसकी तो बीवी बच्चे आए नहीं थे यहाँ, वो अकेले आए थे, तो अकेले आए थे तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या कर दिया कि इंडियन वुमेन्स से शादी करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया के जो रहने वाली महिलाओं था उसके साथ शादी करना स्टार्ट कर दिया, और शादी करके यहाँ पर सब सेटल हो गया। और ताकि शादी किसने किया, उसका मेन पर्पज था पुर्तगीज को यहाँ अधिक से अधिक बढ़ाना, पॉपुलेशन बढ़ाना, इसलिए वो इंडियन वुमेन्स से शादी करके पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हुआ पुर्तगीज। पुर्तगीज के बाद करते हैं तो पुर्तगीज 1556 में, 1556 में ये फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश किया था इंडिया में। कौन क्या था, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस। तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब किया गया था, 1556 में बाय पुर्तगीज। इसके बाद बात करते हैं कि पुर्तगीज तो होगा, अब देखते हैं कि कोई भी जब डेवलप कर रहा हो तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है, पड़ोस वाले को। जो कोई भी डेवलप्ड कर रहा हो सबसे ज़्यादा दुख किसको होता है, पड़ोस वालों को। अब पुर्तगीज डेवलप्ड कर रहा है, यहाँ से जाकर प्रॉफिट कमा रहा है, तो सबसे ज़्यादा दुख किसको होगा, तो बगल में स्पेन है, बगल में पुर्तगाल के, बगल में इंग्लैंड है, उसके बगल में फ्रांस है, बगल में स्वीडन है, डेनमार्क है, तो ये सब कंट्री को फसल जलन होने लगा कि भाई इतना डेवलप कैसे कर रहा है। तो इसी के देखा देखिए कौन आया, ब्रिटिश। इसी को देखा देखिए कौन आया, ब्रिटिश। तो ब्रिटिश जब यहाँ पर कोई भी कंट्री से कोई अपना मंचत आएगा नहीं, इसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ गवर्नमेंट से। तो इस टाइम का गवर्नमेंट थी वहाँ का कौन, तो क्वीन एलिजाबेथ। कौन थी गवर्नमेंट यहाँ का, क्वीन एलिजाबेथ। और क्वीन एलिजाबेथ से 1599 में कि जो 15 ट्रेडर्स का ग्रुप था उन्होंने क्या कर दिया, 15 साल में जो ट्रेडर्स का ग्रुप था 15 साल के लिए इकरारनामा, इकरारनामा जो क्या होता है कि लेटर पे साइन करके भेजा है कि इतने दिन तक आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, इकरारनामा पर साइन करवा के वो इंडिया आ गया। कहाँ गया, इंडिया। और 1600 में वो इंडिया पहुँचा था, कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके बाद जो कैप्टन हॉकिंस की बात करते हैं, तो कैप्टन हॉकिंस एक पहुंचा जहांगीर के कोर्ट में, तो एक लेटर लेकर, तो लेटर वो जहांगीर के नाम से लेटर नहीं था, लेटर किसके नाम था, तो लेटर था वो अकबर के नाम से। और अकबर ये क्या हुआ कि ये साइड से निकल गया था 1615 में, दुनिया छोड़ दिया था, तो चूँकि आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो जो लेटर लिखा गया था वो अकबर के नाम से लिखा गया था। लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, हॉकिंस का सभी लोग नाम सुने होंगे, एक कैप्टन हॉकिंस जब पहुंचा 1608 में, कब आया 1608 में, नाम था किसका, लेटर पर नाम था अकबर का, लेकिन अकबर 1605 में डेट कर चुका था, उसका डेट हो गया था, उस मर चुका था। तो उसके बाद उसका जो अकबर का बेटा था जहांगीर, तो वो जहांगीर गद्दी पे बैठ चुका था। और इस टाइम जो कोर्ट था किसका था, यहाँ का राजा था जहांगीर। तो जहांगीर की कोर्ट में 1608 में आया, कौन आया, ये आया 1608 में कैप्टन हॉकिंस। इसलिए आया, जो कैप्टन हॉकिंस आया वो एक लगी मेन उसका पर्पज क्या था कैप्टन हॉकिंस का, तो यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए जो प्रपोजल था, वो प्रपोजल लेने के लिए आया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंडस्ट्रीज बनाएंगे, अपना ट्रेडिंग पोर्ट इस्टेब्लिश करेंगे। बट जहांगीर इसको डिनाई कर दिया। फिर फाइनली क्या हुआ कि बाद में फिर इस्टेब्लिश कर दिया गया, और 1612 में जो है कि फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था, वो किया गया था सूरत में, सॉरी 1613 में फर्स्ट इस्टेब्लिश जो है फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया गया था सूरत में। तो इस तरह से इसके बाद क्या हुआ, एक हो गया कैप्टन हॉकिंस। इसके बाद दूसरा नाम आता है सर थॉमस रो, सर थॉमस रो।
ये आया था एम्बेसडर ग्रुप में। किसका एम्बेसडर था? ये ब्रिटिश का राजा था जेम्स फर्स्ट के जो है एम्बेसडर ग्रुप में आया था सर थॉमस रो। और ये भी किसके कोर्ट में आया था? जहांगीर के कोर्ट में। कब आया था? 1615 में। ये 1615 में जब सर थॉमस रो आया था तो उसके बाद क्या हुआ था कि सर थॉमस रो डिमांड किया एक एम्बेसडर कोई भी, मतलब कि एक एम्बेसडर ग्रुप में आया। तो एम्बेसडर का मतलब क्या होगा? राजदूत, राजा का दूत बनकर के आया। तो ये भी आया था किस पर्पज से आया था? तो बाकी स्टेब्लिश को एक्सपेंड करने के लिए, जो मतलब कि स्टेब्लिश किए गए जो कंपनी था उसको एक्सपेंड करने के लिए, बात करने के लिए कहाँ पहुँचा? जहांगीर के कोर्ट में। और जहांगीर तो थोड़ा सा अपना दरिया दिली दिखा दिया और पूरा खजाना दिखा दिया खोल करके। इसको सर थॉमस रो, क्योंकि जहांगीर एक शौकीन वाज था, एक मतलब कि पेंटिंग का शौकीन बहुत था उसको, पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। और ये क्या था, पेंटिंग वगैरह देखना चाहता था, दिखाना चाहता था। और जब सर थॉमस रो आया तो अपना जो राज खजाना होता है, ट्रेजरी होता है, वो ट्रेजरी खोल करके दिखा दिया। और इतने पैसे कभी देखे नहीं थे ब्रिटिश वाले, जब देखे तो देख करके क्या रह गए, हक्के बक्के रह गए। और वहाँ से फिर मन में और लाल जो लालच है वो बढ़ गया और फिर अब कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर हमको अपना इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से फिर धीरे धीरे जो है कि इसका जो तीन प्रेसिडेंसी था, बंगाल मद्रास और कलकत्ता, सॉरी बंगाल मद्रास और बम्बई, ये तीन प्रेसिडेंसी था, बंगाल मद्रास और बम्बई। ये बम्बई को अभी मुंबई बोलते हैं, मद्रास को अभी चेन्नई बोलते हैं। बंगाल अभी वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो वो बंगाल अभी वाला बंगाल नहीं था। बंगाल का मतलब पूरा उड़ीसा, पूरा बिहार, पूरा बांग्लादेश, असम, ये पूरा पार्ट बंगाल कहलाता था। फिर एक मद्रास हो गया, ये तीन प्रेसिडेंसी था। ये तीन प्रेसिडेंसी पर क्या कर दिया, वो अपना अधिकार कर लिया। बाकी का जो ब्रिटिश के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट, आगे हम पढ़ेंगे जब ये पूरे एक एक पार्ट को अलग अलग बता लेंगे। तो ब्रिटिश को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पर चलते हैं डच के बारे में। डच तो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं कि एक पड़ोसी गया, जो एक नेबर था, गया देखने के लिए कि भाई इतना फायदा कहाँ से ले रहा है, इतना इनकम कहाँ से हो रहा है। उसी की देखा देखी दूसरा पड़ोसी वाला जो है, दूसरा नेबर है, वो क्या चुप बैठेगा, नहीं भाई तब तुम तो हम पीछे क्यों। और यही देखा देखी में डच, ये डच कहाँ वाले डच बोलते हैं, तो डच किस जगह वाले, जो डच है, डच मेनली किस कंट्री वाले, जैसे इंडिया वाले बोलते हैं इंडियन, पुर्तगाल वाले क्या बोले, पुर्तगीज, ब्रिटेन वाले को बोले ब्रिटिश, फ्रेंच फ्रांसीसी जो होते हैं फ्रेंच, किसको बोलते हैं, फ्रांस वाले बोलते हैं फ्रेंच। सेम उसी तरह से कि जो डेनमार्क का था उसको बोलते थे डेनिश, और जो नीदरलैंड का था उसको बोलते थे डच। नीदरलैंड यूरोपियन कंट्री है, यहाँ के रहने वालों को बोलते थे डच। अब डच 1602 में आया इंडिया, कब आया 1602 में। और डच अपना जो फैक्ट्रीज है, जो ट्रेडिंग पोर्ट है, वो कहाँ कहाँ स्टेब्लिश किया, तो मासुलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, कायकल, पटना, बालासोर एंड कोची, ये मेन ट्रेडिंग पोर्ट था। डच के आने के बाद क्या हुआ, तवैको, बहुत लोग यूज करते हैं तवैको, तो जो तवैको प्लांटेशन जो है वो किसके द्वारा लाया गया था, वो डच के द्वारा लाया गया था। तो तवैको कल्टीवेशन जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, डच के द्वारा 1602 में। तो डच जो यहाँ पर थे वो ट्रेड करने के पर्पज से यहाँ मेन रूप से नहीं आए थे, उनका मेन पर्पज जो मेन इंटरेस्ट में किसमें था, स्पाइस के ट्रेड में था। जो स्पाइस के ट्रेड में मेन इंटरेस्ट था तो फिर वो इंडिया से कहाँ चले गए, तो वो चले गए इंडिया से जावा एंड सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का आइलैंड है। कौन कौन है, जावा एंड सुमात्रा, ये इंडोनेशिया फिर चले गए। यहाँ पे वो क्या हो गया, जल्दी मूव कर गए और यहाँ पर ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए। इसके बाद जो नया नाम आता है वह डेनिश, डेनमार्क वाले को डेनिश या तो फिर डेनिश बोलते हैं, डेनमार्क वाले को या तो डेनिश या तो फिर डेंस कहा जाता है। डेनिश जो है 1660 AD में आया था और अपना पहला जो इस्टेब्लिश किया था कहाँ पर किया था, तो तानिकदार तमिलनाडु में, पहला इस्टेब्लिश कहाँ किया था, तो तानिकदार तमिलनाडु में किया था। और इसका जो मेन पर्पस था क्या, तो ये भी ये ज़्यादा दिन तक यहाँ पर रह नहीं पाए, और फिर बाद में क्या हुआ कि जो अपना इसका सेटलमेंट जो था, ये सेटलमेंट को ब्रिटिश के यहाँ बेच दिए, और ब्रिटिश के यहाँ बेच करके फिर क्या हो गए, यहाँ से चले गए।
इसके बाद आता है फ्रांस। तो फ्रांस जो फ्रेंच वाले थे वो 64 एडी में आए, और सबसे बाद में आने वाले थे स्वीडन के 1731 एडी में। लेकिन फ्रेंच आया तो ब्रिटेन, देखिए पुर्तगीज वगैरह सब आया, लेकिन कंपटीशन किसी बीच में नहीं हुआ। मेन कंपटीटर था ब्रिटेन का, वो कौन था? वो फ्रेंच था। और इसी फ्रेंच के कारण क्या हुआ, तीन फेमस वार हुआ, इसको बोलते हैं कार्नेटिक वार, फ्रेंच और ब्रिटेन के बीच में। ये कार्नेटिक वार या तो फिर एंग्लो फ्रेंच वार के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कार्नेटिक वार हुआ था क्यों हुआ था, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो फ्रेंच आया 1664 एडी में आया, और मेन रूप से जो इसका ट्रेडिंग पोर्ट था वो कहाँ कहाँ था। तो जो फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट बनाया जो फ्रेंच थे, वो फर्स्ट ट्रेडिंग पोर्ट कहाँ पर बनाया है, तो बनाया सूरत में। सेकंड वन मौसलीपट्टनम, नागपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, क्राइकल, बालासोर, ये सारे जगहों पे वो अपना ट्रेडिंग पोर्ट एस्टेब्लिश किए। और फाइनली क्या हुआ कि फ्रेंच में जब डुप्लेक्स, नाम क्या है डुप्लेक्स, टेंशन नहीं लेना है, क्रिकेट देखते हैं बहुत सारा नाम आसानी से आदर हो जाएगा। तो ये जो डुप्लेक्स था इसी के आने कारण कार्नेटिक वार शुरू हुआ था, जिसको हम एंग्लो फ्रेंच वार कहा जाता है। ये तीन बार हुआ था। तो ये जो डुप्लेक्स आया तो फ्रेंच वार जो है ब्रिटेन के साथ स्टार्ट हो गया, और इस तरह से क्या हो गया कि इस तरह से फ्रेंच वार स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे फ्रेंच समाप्त हुआ। फ्रेंच वार समाप्त होने के बाद क्या हो गया कि फ्रेंच का जो मेन पावर था यहाँ पर समाप्त हुआ, और ब्रिटिश फिर यहाँ से राइज करना शुरू हुआ। तो अगला जो नेक्स्ट है वो है एंग्लो फ्रेंच वार, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।